अशोका एग्रीकल्चर फर्म लाए हैं किसानों के लिए ग्राउंडनट सेलिंग मशीन, मूंगफली दाना निकालने वाली मशीन 2024 मॉडल। क्योंकि अभी तक हम किसानों को सिर्फ मशीन का वीडियो डालते थे, अब हम उनको बताएंगे कि कैसे सेटिंग की जाती है। क्योंकि हम देखते हैं ये मशीन एक लेवल पे रख के चलाएं तो ज़्यादा बेटर है, और बहुत से किसानों को बताया जाता है कि काफ़ी टफ है, लेकिन टफ नहीं है। देखिए यहाँ ये लगा हुआ है शाफ्ट, ये डायरेक्ट अपन ट्रैक्टर में लगा सकते हैं। इसमें जो एल की वाले ये नट होते हैं ना, इनको एक बार चेक कर लें चलाने से पहले टाइट हैं या नहीं है। पूरी शाफ्ट में नीचे नट डला रहता है, और चूंकि अदर मशीनों में ये गोल ग्रेडिंग 4.5 फीट की दे रही है कंपनी वाले, लेकिन अशोका एग्रीकल्चर वाले 5 फीट की बना के दे रहे हैं, जिससे अपन अधिक से अधिक माल साफ कर सकते हैं। और मशीनों में और भी क्वालिटियां हैं, चूंकि हम आपको अगली वीडियो में उससे भी अवगत कराएंगे कि और मशीनों को अपन कैसे सेट कर सकते हैं, कैसे उनकी सेटिंग बना सकते हैं, क्योंकि बहुत से किसान भाई इसकी सेटिंग बनाना नहीं जानते हैं। क्योंकि अभी हमने आपको सिर्फ इतना बताया है कि ये शाफ्ट में एक एल की वाले नट लगे रहते हैं, उनको टाइट कर लें चलाने से पहले, और नीचे एक गियर बॉक्स दिया रहता है वहाँ पे। चलिए हम आपको दिखाते हैं, इसे चलाने से पहले भी इसमें गेज चेक कर लें, गेज है या नहीं है, तभी इसको अपन चलाएं। और इसके अंदर भी कुछ राउंड राउंड वो लगे रहते हैं पंखे, जो कि मूंगफली को फोड़ने का कार्य करते हैं। उनकी सेटिंग बनाना भी हम आपको अगली उसमें सिखाएंगे कि कितने पे रखना है, क्योंकि अपन अच्छे से सिर्फ मूंगफली से दाना निकले, मूंग दाने के दो टुकड़े ना हों, ऐसी सेटिंग बना के देंगे। हम लोग तो ऑलरेडी देते हैं, अदर कंपनियों वाले नहीं देते हैं। और भी बारीकियां हैं जो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।